हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप देखेंगे कि पाइथन में कमेंट्स आप कैसे लिख सकते हैं। पाइथन का अगर आप कोड लिख रहे हैं तो उस कोड के अंदर आप कमेंट्स कैसे लिख सकते हैं। ओके, अब कमेंट्स होता क्या है? कमेंट्स आर द एडिशनल रीडेबल इंफॉर्मेशन टू क्लेरिफाई द सोर्स कोड। मान लो आपने एक कोड लिखा, राइट, ओके, और उस सोर्स कोड में आप चाहते हैं कि जो भी आपने कोड लिखा है आप उसको एक्सप्लेन भी करते जाएं। तो एक्सप्लेन आप कैसे कर सकते हैं? आप कमेंट्स की हेल्प से उस कोड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान लो आपको अपने कोड को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, राइट, और आप चाहते हैं कि जब ये कोड आपके फ्रेंड्स के पास जाए तो वो एक एक लाइन को समझ सकें। तो आप क्या कर सकते हैं? उन लाइन्स के साथ कमेंट्स लिख सकते हैं कि इस लाइन का क्या मीनिंग है, इस लाइन का क्या मीनिंग है, राइट, विच इज़ रीड बाय द प्रोग्रामर्स। अब क्या है? प्रोग्रामर्स रीड कर सकते हैं, यूजर्स रीड कर सकते हैं, बट इग्नोर्ड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर। लेकिन पाइथन इंटरप्रेटर कमेंट्स को इग्नोर कर देता है, राइट, और उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है। फाइन, पाइथन सपोर्ट्स थ्री वेज टू एंटर कमेंट्स। पाइथन तीन तरीके से आपको अलाउ करता है कमेंट्स लिखने के लिए प्रोग्रामिंग में। कौन कौन से हैं? फुल लाइन कमेंट, आप फुल लाइन कमेंट लिख सकते हैं। इन लाइन कमेंट, इन लाइन मतलब आप एक कोड के साथ कमेंट को लिख सकते हैं। मल्टी लाइन कमेंट, आप मल्टीपल लाइन्स में कमेंट को लिख सकते हैं। ओके, अभी वन बाय वन में आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। तो यहाँ पर हमने अपने पाइथन शेल को ओपन कर लिया है। यहाँ से हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन फाइल एंड न्यू फाइल, राइट, न्यू फाइल ले ली है। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे फुल लाइन कमेंट, वो कमेंट जो आप कंप्लीट लाइन में दे सकते हैं। ओके, वो कमेंट जो एक कंप्लीट लाइन कवर करती है, राइट। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले कौन सा सिंबल देंगे आप कमेंट के लिए? आप लेंगे हैश। ओके, कमेंट किससे स्टार्ट होगी? आपकी हैश से, राइट। तो यहाँ पे जैसे मैं एक कमेंट ले लेती हूँ, दिस प्रोग्राम शोज, क्या लेंगे, दिस प्रोग्राम शोज एरिया लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट। आपने ये क्या दिया है? फुल लाइन कमेंट दिया है, राइट right? अब यहाँ पे आप ले लो, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया, अगर लेंथ लेनी है तो लेंथ, या फिर एल ले लो, एल इक्वल्स टू 4, ठीक है, एंड बी इक्वल्स टू आपने ले लिया 2, राइट right? अब देखो मुझे नहीं पता एल क्या है, राइट right? तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इनलाइन कमेंट कर सकते हो। इनलाइन कमेंट कौन सी होती है? इनलाइन कमेंट शेयर द लाइन विद द कोड और विद द स्टेटमेंट। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया हैश करके, आप इसमें लिख देंगे हैश लगा के लेंथ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। और सेकंड में आपने इनलाइन कमेंट कर दिया, यहाँ पे मैंने इनलाइन कमेंट कर दिया सेकंड में, यहाँ पे हम लिख देंगे breadth, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। फाइन, तो देखो ये वाली कमेंट कौन सी है? आपकी फुल लाइन कमेंट है, ओके। एंड जो आपने कोड के साथ शेयर किए कमेंट, ये क्या है? आपकी इन लाइन कमेंट्स हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, राइट, ओके। अब नेक्स्ट आप लिख लो एरिया, एरिया एल इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप इनलाइन कमेंट दे सकते हो, यहाँ पे आप लिख दोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओके। तो यहाँ पे आपने 3 इनलाइन कमेंट्स दे दी हैं। देन हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करा देंगे, प्रिंट, ओके, एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल is, area of rectangle is area, fine, आपने इसको दे दिया, प्रिंट करा दिया। मैं आपको ये एग्जीक्यूट भी करके दिखा देती हूँ कि जो कमेंट्स हैं, राइट, उसको इंटरप्रेटर क्या करता है, इग्नोर करता है। फाइन, तो हम इसको सेव कर देंगे, कंट्रोल एस, आप किसी भी नेम से इसको सेव कर दो, मैंने GS से इसको सेव कर दिया है नेम से, एंड देन रन इट, राइट, आपका देखो एरिया 8 आ गया। अब जो आपने कमेंट्स दी थी, यहाँ पे कमेंट्स दी थी, ये जो आपकी थी फुल लाइन कमेंट, ओके, इन लाइन कमेंट्स, इसको इंटरप्रेटर ने एग्जीक्यूट नहीं किया है, इसको इग्नोर कर दिया है, ओके। अब इसी प्रोग्राम में हम देखते हैं मल्टी लाइन कमेंट, ओके। मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होती है? मल्टी लाइन कमेंट्स कवर मल्टीपल लाइन्स, आप मल्टीपल लाइन्स में जो कमेंट करते हो उसे मल्टी लाइन कमेंट्स कहा जाता है, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मल्टी लाइन कमेंट्स करने के दो तरीके हैं,
राइट। आप हैश यूज करके भी मल्टी लाइन कमेंट्स कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया प्रोग्राम नेम मैंने लिख दिया यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट। अगेन नेक्स्ट लाइन में आप फिर से हैश से स्टार्ट करेंगे इसको, राइट। एक आपका मेथड क्या है मल्टी लाइन कमेंट का, कि आप जितनी भी लाइंस लिख रहे हो उसके स्टार्टिंग में आप हैश का यूज़ करोगे। ओके, मैंने यहाँ पे डेट लिख दी, मान लो डेट, राइट। डेट क्या है 11। ओके, नेक्स्ट कमेंट हो गई, एंड देन आपने लिख दिया लैंग्वेज। ओके, लैंग्वेज हमने लिख दिया पाइथन, राइट। तो देखो मल्टी लाइन कमेंट्स क्या है, वो कमेंट जो आप मल्टीपल लाइंस कवर करती हैं। तो हमने यहाँ पे 3 कमेंट्स दिए हैं, प्रोग्राम नेम, डेट एंड लैंग्वेज, फाइन। अब देखो सेव कर दिया, अब इसको रन करेंगे, रन मॉड्यूल। आगे आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 8, क्योंकि हमने लेंथ एंड ब्रेथ ऑलरेडी दे रखी है, राइट। ये प्रोग्राम मैंने आपको सिंपली कमेंट समझाने के लिए बनवाया है, राइट। तो यहाँ पे देखो ये जो मल्टीपल लाइन कमेंट्स है इसको पाइथन ने इग्नोर किया है। ओके, ये किसके लिए है, ये उसके लिए है जो इस कोड को रीड कर रहा है, फाइन, यूजर या फिर प्रोग्रामर। ओके, नाउ अब देखो एक मेथड था मल्टी लाइन कमेंट्स देने का, हैश का यूज, राइट। आप स्टार्टिंग में हैश का यूज करते हो, आप क्या कर सकते हो ट्रिपल कोट्स का यूज़ करके भी मल्टी लाइन कमेंट्स दे सकते हो, फाइन। तो जैसे मैंने यहाँ से हैश को रिमूव कर दिया, यहाँ से भी एंड यहाँ से भी, ओके। इसी के आगे मैंने सिंगल ट्रिपल कोट्स दे दिया, राइट, एंड यहाँ पे, फाइन। ओके, इसको सेव कर देते हैं, एंड देन अगेन रन द प्रोग्राम। देखो आपका आंसर आ गया है, फाइन। तो यहाँ पे ये जो आपने सिंगल ट्रिपल कोट्स में दिया है वो क्या बन गया, आपका कमेंट बन गया है, राइट। और आप डबल ट्रिपल कोट्स में भी कमेंट्स दे सकते हो। अगर मैं डबल ट्रिपल कोट्स में देती हूँ 1, 2 and 3, ओके, एंड हियर 1, 2 and 3, ओके, राइट। सिंगल ट्रिपल कोट्स का भी यूज़ कर सकते हो आप, एंड डबल ट्रिपल कोट्स का भी यूज़ कर सकते हो, ओके, देन रन। ओके, यू गॉट योर आंसर हेयर, राइट। तो ये क्या है आपकी मल्टी लाइन कमेंट्स है। मल्टी लाइन कमेंट्स में 2 मेथड्स मैंने आपको बताए, या तो आप क्या करो जितनी भी लाइन्स हैं उनके आगे हैश का यूज़ करोगे, या फिर आप सिंगल ट्रिपल कोट्स या मल्टीपल ट्रिपल कोट्स का यूज़ करोगे। ओके, जो मल्टी लाइन कमेंट्स होती है उनको डॉकस्ट्रिंग भी कहा जाता है, ठीक है, डॉकस्ट्रिंग। ओके ओके एवरीवन, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।